कि हम दो कंडक्टर को अपार्ट कर रहे हैं टू तो ब्रेक द सर्किट ठीक है मतलब जब हम लाइट को पुट ऑफ करते हैं टर्न ऑफ करते हैं ठीक है तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो दो कंडक्टर होते हैं उनको ब्रेक करते हैं ठीक है उनको अपार्ट करते हैं दोनों कंडक्टर को हम अपार्ट करते हैं टू ब्रेक द सर्किट ठीक है टू कंडक्टर्स आर अपार्ट टू ब्रेक द सर्किट होता है ठीक है तो जैसे ही हमारे दोनों कंडक्टर होते हैं वो बिगेन टू सेपरेट होते हैं ठीक है ब्रेक अपार्ट करते हैं जैसे ही हमारे दो कंडक्टर होते हैं वो बिगेन टू सेपरेट होते हैं तो एक लास्ट ई एम इंड्यूस होता है ठीक है जैसे ही हमारे जो कंडक्टर होते हैं वापस में एक दूसरे से सेपरेट होना चाह रहे होते हैं तो एक लास्ट ईमएफ इंड्यूस होता है शॉर्ट टाइम के लिए वेरी ठीक है एक लास्ट इंड्यूस इंडियमएफ होता है वेरी शॉर्ट टाइम के लिए ठीक है वेरी शॉर्ट टाइम के लिए एक लास्ट हिमएफ इंड्यूस होता है वेरी लास्ट ईम इंड्यूस फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम ठीक है वेरी शॉर्ट टाइम तो आप देख सकते हैं कि ये जो इंड्यूस ई एम एफ हुआ होगा ठीक है जो इस इंड्यूस इंड्यूसमएफ के कारण क्या होता है कि उनके बीच में जो सेपरेशन मतलब जो बीच में एयर आती है तो उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन हो जाता है जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं मतलब जो हमने जब इनको स्विच को पुट ऑफ किया मतलब टर्न ऑफ किया तो क्या हुआ कि हमारे दोनों कंडक्टर ब्रेक अपार्ट हुए दोनों दोनों कंडक्टर जब हमारे ब्रेक अपार्ट होते हैं तो एक इंड्यूस ईम होता है ये इंड्यूस सी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है लेकिन इंड्यूस ईम हो जाता है ठीक है ये ईम हमारा इंड्यूस हो जाता है लेकिन वो भरे भले शॉर्ट टाइम के लिए होता है लेकिन इंड्यूस ईम हो जाता है ठीक है तो जो इंड्यूस ईम होता है उसके कारण जो हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक है उनका ब्रेकडाउन होता है एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस गैप में जो आ जाते हैं ठीक है जो हमारे जो कंडक्टर जब अपार्ट जाते हैं तो उनके बीच में जो एयर के मॉलिक्यूल्स आते हैं उनका ब्रेकडाउन हो जाता है ड्यू टू दिस लास्ट इंड्यूस ई के कारण ठीक है उनका ब्रेकडाउन हो जाता है ठीक है तो जो आप जानते हैं कि उनके ब्रेकडाउन होने के कारण एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होगा वो फ्लोस करेगा थ्रू द आइनाइज एयर ठीक है जो एयर के मॉलिक्यूल हमारे ब्रेकडाउन होंगे तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होगा हमारा एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट होगा हमारा ठीक है स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट जो होगा हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट फ्लोस थ्रू द आइनाइज एयर ठीक है स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट फ्लो फ्लोज थ्रू द आयनाइज एयर होगा ठीक है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द आयनाइज एयर ठीक है और इसके कारण हमें एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है ठीक है ड्यू टू दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट विच फ्लोज थ्रू द आईनाइज एयर हमें स्पार्क प्रोड्यूस होता है ठीक है इसके कारण एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है और जैसे ही गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है एज सून एज द गैप इन द कंडक्टर बिकम्स वाइडर मतलब जैसे ही गैप हमारा बड़ा हो जाता है ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर हो जाती है ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स वीकर हो जाती है और नो लॉन्गर आइनाइज एयर करती है यानी कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता है यानी कोई स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होता है ठीक है जो हमसे पूछा गया था कि जो स्पार्क क्यों प्रोड्यूस होता है वो इंड्यूस ई के कारण होता है जैसे हम दो कंडक्टर को थोड़ा दूर लेके जा रहे होते हैं स्मॉल डिस्टेंस पे जब लाता है वो कंडक्टर दोनों के बीच में तो क्या होता है एक लार्ज ईम एफ इंड्यूस रहता है ठीक है उस इंड्यूस ईम के कारण जो एयर के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो जाता है ठीक है एयर के मॉलिक्यूल्स का हमारा वहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसके जो ब्रेकडाउन होने के कारण जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है वो आयनाइज कर देता है एयर को ठीक है और वो फ्लो करता है इस आयनाइज एयर से ठीक है उस करंट के फ्लो होने के कारण हमें स्पार्क प्रोड्यूस होता है ठीक है तो वॉट कॉज स्पार्किंग तो जो स्पार्किंग होता है इट इज़ ड्यू टू द